ओके कबीर आप भी कुछ उठा लो। Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. मैं हूँ श्रेति एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो गाइज हम निकल चुके हैं शशांक कबीर यहाँ पे और एक्चुअली हमारा आइकिया का ऑर्डर आया हुआ है तो वो पिकअप करने जाना है। घर पे डिलीवरी नहीं हुई उसकी फॉर सम रीजंस, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो हमें एक यहाँ पे ना पेंगुइन पिकअप करके जगह होती है, वहाँ पे आइकिया वाले डिलीवर कर लेते हैं, हम वहाँ से पिकअप कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको रास्ते में बताती हूँ क्या कहानी है और मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। लेट्स गो। सो गाइस आप देख ही रहे हो क्या वाइब हो रही है, प्रॉपर वीकेंड समर वाइब है यहाँ पे। पैटियोस खुल चुके हैं, मौसम इतना अच्छा है और 26 डिग्रीज है वैसे आज, इसे बहुत गर्मी नहीं है एंड सन भी निकला हुआ है, तो इट्स अ ब्राइट सनी डे एंड इट्स अ नाइस डे। और लुक अराउंड कितनी ग्रीनरी, ये सब पूरा स्नो में कवर्ड होता था दिसंबर नवंबर जनवरी फरवरी में एंड अभी इट इज़ सो गुड। मैंने एक्चुअली अपना ऑर्डर आइकिया की ऑनलाइन वेबसाइट पे ही किया था, बट इन पे ना तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पिकअप कर लो आइकिया के स्टोर से विच एवर इज़ नियरेस्ट योर हाउस, और सेकंड ऑप्शन इज़ यहाँ पे अलग अलग ऐसे पिकअप सेंटर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के डिलीवरी पिकअप के ऑप्शन होते हैं, तो ऐसे पेंगुइन शॉप, पेंगुइन पिकअप स्टोर ऐसे करके होता है, वो कर लो। थर्ड इज़ ऑनलाइन घर पे आपकी डिलीवरी आ जाती है। तो नाउ मेरे जो आइटम्स थे वो ना घर पे डिलीवरी के लिए फुल दिखा रहा था, सारे आइटम्स अनअवेलेबल थे, मतलब जितना मेरा ऑर्डर था उसमें 15-20 आइटम्स थे, उसमें से एक दो आइटम्स अनअवेलेबल थे, और अगर मैं पिकअप करती तो उसके लिए हमें टैक्सी बुक करनी पड़ती, टैक्सी लेके जाना पड़ता, बट उसमें भी कुछ कुछ आइटम्स अनअवेलेबल दिखा रहा था। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं पेंगुइन पिकअप से ही अपना ऑर्डर पिक कर सकती हूँ जिसमें सारे आइटम्स अवेलेबल थे। आई डोंट नो हाउ डू दे डू दैट, मे बी वो पैकिंग या पता नहीं किस चीज़ पर डिपेंड करता है, बट फाइनली मेरे आइटम्स अवेलेबल हो गए थे पेंगुइन पिकअप पे। द कॉस्टिंग इज़ जब मैं वहाँ से पिकअप करने जाऊँगी पेंगुइन पिकअप पे, उससे $5 लगते हैं। अगर आप आइकिया से पिकअप करते हो अगेन उनकी पैकिंग और पिकअप चार्ज $5 होता है, और अगर आपके घर पे पार्सल आते हैं तो उसके $30 या $40 होते हैं, डिपेंडिंग आपका कितना बड़ा मतलब पैकिंग में कितना बड़ा सामान है, कितने बॉक्सेस लगेंगे उसके हिसाब से आइकिया वाले चार्ज करते हैं, टिपिकली $40 to $50 आ जाता है। तो हमारा जो स्टोर है जहाँ से हमें पिकअप करना है वो पास में ही है, घर से 300-400 मीटर ही था, सो वी थॉट इट्स अ गुड ऑप्शन, तो हम वही पिकअप करने जा रहे हैं। बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्सेस बड़े बड़े होते हैं राइट, काफ़ी सामान है, कुछ ऐसे कार्ट्स हैं, कुछ ऐसे ड्रॉअर का सेट है, ये सब मैंने मंगाया है, कुछ छोटे छोटे किचन के आइटम्स भी हैं, तो हम हाथ में तो नहीं लेके जा सकते, तो शशांक को टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। तो पहले हम सारा सामान कलेक्ट करेंगे, फिर टैक्सी में शशांक लोड करके वो घर पे लेकर आएंगे, और मैं कभी को स्ट्रॉलर में लेके घर आ जाऊँगी। तो बेसिकली आई एम गोइंग ताकि मैं शशांक की हेल्प कर सकूँ, सो दैट्स द पर्पस। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं वो पेंगुइन पिकअप स्टोर्स और कितनी भीड़ होती है और कितना
सामान आता है वहाँ पे दिखेगा आपको। मैं भी पहली बार जा रही हूँ, बट हमने ये वाली सर्विस पहले यूज़ करी हुई है, जब कबीर का हमें OCI वीज़ा भेजना था ना, तो वी यूज़ दिस फैसिलिटी पेंगुइन पिकअप टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स। सो गाइस, मुझे देखो क्या मिला बीच में। यहाँ पे भी ऐसे स्टॉल लगी होती है ओपन, कि आप कपड़े खरीद सकते हो, लाइक 1 for 12, 2 for 20, नीचे हैरम पैंट्स हैं $25 के, तो ऐसे आपको कनाडा में भी मिल जाएगा। एक्चुअली गाइज, मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ रास्ते में, मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। तो अभी मुझे एक स्टोर दिखा, इसका नाम है रॉबी ब्राउन क्लोदिंग फॉर मैन अप टू 5'8" हाइट ओनली। मतलब ये काफ़ी यूनिक चीज़ है एंड आई रियली लाइक इट। तो मेरे पीछे ही ये वाला स्टोर, और क्लियरली उन्होंने बोला कि 5'8" तक अगर आपकी हाइट है तभी हम आपको कपड़े दे सकते हैं फॉर मैन। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? सो गाइज, ये है वो पेंगुइन पिकअप एंड हियर वी गो, पिकअप हियर फॉर फ्री। हमारा तो फ्री नहीं लगा, हाँ तो लगे $5। थोड़ा सामान इसमें लोड कर लिया है, तो घर पास में ही है, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। चले, लेट्स गो। शिरांग, यू रेडी? यस, वेरी। चलो चलो। नहीं, सारा ही आया है, मैं तुम्हें बताई थी ना, ज्यादा भारी सामान नहीं है यार। तो वो डुए वगैरह कुछ तो वेट हो गए थे। तो डुए में कितना वेट है? हल्की सी है, उसका कवर है हल्का सा, पतला सा कपड़ों का कवर, सिंपल राइट। ओके कबीर, आप भी कुछ उठा लो। आप कुछ उठाओगे? तुम टैक्सी के $13 सेव कर रहे हो, राइट? $12 में हो जाती, बट ठीक है यार, फालतू में ऊपर से मेरे को तो पैदल ही आना पड़ेगा, तुम्हें टैक्सी में जाना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे ना मोस्टली आपको रोड पे ऐसे लोग दिखते हैं, मैंने तो इनफैक्ट लोगों को गद्दे ले जाते हुए देखा है, दो लोग, एक ने एक कोना पकड़ रखा है, दूसरे ने दूसरा कोना, और गद्दा लेके जा रहे हैं, क्योंकि घर पे डिलीवरी कम्स विद अ कॉस्ट, या फिर बहुत सारी कंपनीज उसका ज़्यादा ही चार्ज लेती है। तो पीपल प्रेफर, अगर आस पास ही है तो अपने आप ही लेके चले जाओ, अगर मैनेजेबल है तो कर सकते हो, अदरवाइज टैक्सी कर लो, बहुत भारी सामान है तो यू हॉल कर लो ऐसा। तो यहाँ हम चल रहे हैं, बीच में हम कॉफ़ी ब्रेक ले सकते हैं। शिजांग, कॉफ़ी ब्रेक लेना है? बहुत ही हल्का डब्बा है, बट जस्ट दैट कि थोड़ा बड़ा है ना, तो इसलिए थोड़ी वो है, हैंडल नहीं है वो खाने का। हाँ, एक बढ़िया, इतने बड़े डब्बे में हैंडल कहाँ से आएगा? कुछ हैंडल टाइप होता है ना इसमें, तो इजी हो जाता है उठाना। हाँ, पता है श्रांग, हम ना ये काम कर सकते थे, मैं रुक जाती हूँ और तुम कबीर का खाली स्ट्रॉलर लेकर आते हैं। मैं इसको गोदी में उठा लूँ, वो इजी रहेगा, इसको इस पर रख दो, मैं कबीर को गोदी में उठा लेती हूँ, और तुम ये कबीर से इसको उठाना इजी है ना, तो गोदी में रहता है, इसको उठाना तुम्हें थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसको बॉक्स को इस पर रखो, मैं कबीर को गोदी में उठा रही हूँ। मैं उठा, लेट्स डू दैट। अच्छा, गोदी में चलेंगे, मैं शेड
निकाल लेती हूँ तो खुद ही मेरे चश्मा खींचेगा यार। मैं ले लूँगा मोदी। लाओ मेरे को दो ना। नहीं मैं चला लूंगी सामने के, ये पतली रोड है ना, आगे तो चौड़ी रोड आ जाएगी। अभी तो मैं इसे नहीं खोल रही, कल खोलूंगी सामान को और फिर मैं इसमें अरेंज भी करूंगी। दो तीन ना मैंने ड्रॉअर सेट मंगाया है, एक ड्रॉअर सेट है और एक ऐसे कार्ट है जिसमें प्याज वगैरह रख सकते हैं, इट्स अ यूटिलिटी कार्ट। तो और भी छोटा मोटा बहुत सारा सामान है, मेरे को बहुत अच्छी डील्स मिली थी आइकिया पे, तो इसलिए मैंने खरीद भी ली। और या आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसको कल अनबॉक्स करेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या सामान है। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आप ये भी देखोगे मैं उसको कैसे अरेंज करती हूँ सारा सामान को। और इसको देखो बंदर को, यू माय लिटिल मंकी, यू माय लिटिल गर्ल, या व्हाट हैपेंड मम्मा, आई एम ट्राइंग टू स्टैंड। ओके देन स्टैंड नो नो मम्मा, आई डोंट वांट टू स्टैंड, आई जस्ट वांट टू मूव। ओके व्हाट डिड यू गेट हाँ कैमरा, जब कैमरा पकड़ने आ रहा है तू, मैं वही सोचू कर क्या रहा है मम्मी, कैमरा पकड़ने आई हूँ। गेंदुड़ा, चलो बाय बाय बोल दो गाइस को। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मैं एंड करती हूँ व्लॉग एंड हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, राइट? सबको बोलो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइज यू कैन क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन एंड इससे आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओगे एंड आपको सारे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में।